चारधाम यात्रा बेल्ट। स्वागत है आपका मेरी एक नई ब्लॉग में, जिसमें हम आपको यमुनोत्री से गंगोत्री की यात्रा का दर्शन कराएंगे। तो अभी हम बस में बैठे हुए हैं और यहाँ से अभी हम यमुनोत्री से उत्तरकाशी गए सबसे पहले, क्योंकि यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बस नहीं है। कुछ बस हैं जो कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से 7:30 बजे तक मिलती हैं। इनके हिसाब अगर लेट हो जाते हैं तो आपको वहाँ से प्राइवेट बस या फिर उत्तरकाशी वाले रूट से जाना होगा। ये आप देख रहे हैं मनेरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और पूरे रास्ते में आपको भागीरथी नदी आपको मिलेंगी, जिनका उद्गम गंगोत्री से हुआ है। और अभी हम मनेरी डैम, जो कि आपको भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि आप गंगोत्री रूट पर, तो उसमें आपको मनेरी गांव मिलेगा। मनेरी गांव पर NTPC पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो और मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें, ये पानी को रोका गया है, यहाँ पे ये पूरा डैम चल रहा है, और आगे जाके इसका जो फ्लो है वो आपको दिखाया गया है। उसको खेदी वाटरफॉल बोला गया है, जो कि एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, पर्यटन की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, पर्यटकों को लुभाने के लिए। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको टूरिस्ट स्पॉट हैं, क्योंकि और रुकने की व्यवस्था है। आपको यहाँ पे हर घर में आपको स्टे की सुविधा मिलेगी, आप कभी भी आ जा सकते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह आपको खाना मिल जाएगा, पर थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। अभी हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं और ये सामने आपको जो व्हाइट मंदिर दिख रहा है, ये गंगा मैया का मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी भक्त लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब माता के दर्शन हो। हालांकि ये कतारें ज़्यादा लंबी नहीं हैं, फिर भी आपको दर्शन में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये समय सारणी लगी हुई है कि यहाँ पर पूजा कितने बजे होती है, दर्शन कितने बजे है, भोग कितने बजे हैं, और इस तरह की जानकारी आपको मंदिर के परिसर में काफ़ी बैनर लगे हुए हैं वहाँ पे आपको दिख जाएगी। पीछे आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है, और चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ गंगा मैया का तीव्र प्रवाह। चलिए ज़ोर से बोलिए जय गंगा माई। देखिए, चलिए मैं आ गया। ये जो मंदिर में आप आएंगे तो प्रवेश करने के बाद आपको एक घाट है, दर्शनार्थी हैं, स्नान करते हैं और अपना पूजन अर्चन करते हैं, दीपदान करते हैं। यहाँ पर मेरी मिसेज और मैं स्नान करने के बाद गंगा मैया से सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहा हूँ। ये पानी इतना ठंडा है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सामने ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बर्फ पिघल के आ रही है और वो इतनी ठंडी है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मुँह भी नहीं धोया, अच्छे से अपनी आँखों को हाथ लगा लिया। और ये मेरे ससुर जी जो कि तर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो खींचना गर्भगृह में सख्त मना है। इनके साथ अगर कैमरा अपना ले भी जाते हैं तो वहाँ पे जो गार्ड लगे हुए हैं आपका कैमरा तुरंत तोड़ देंगे, क्योंकि मेरे सामने एक सज्जन का तोड़ दिया था कैमरा। और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूँ, गौमुख, जहाँ से गंगा मैया का उद्गम हुआ है, जो कि यहाँ से गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले 19 था, लेकिन अब बता रहे हैं मैंने वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि अब ये मार्ग 21 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि हर साल ग्लेशियर थोड़ा पिघलता जा रहा है, तो ये मार्ग खिसक के पीछे पहुंचता जा रहा है। ये गंगोत्री की मार्केट है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति चारों धाम करता है तो गंगोत्री से जल ले जाकर, एक ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, श्री रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर ले जाते हैं गंगा जल। और यहाँ पर अभी हम कमरे में आ चुके हैं, ये हमने एक लॉज ली थी और ये अब हम वापस जा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिए। कुछ टाइम हो गया है, कुछ खाया जाए। ये रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल, ये खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे धान की खेती है, पर ये पहाड़ी क्षेत्रों में खान पान की व्यवस्था बहुत ही ना के बराबर रहती है, क्योंकि यहाँ पर
खेती का जो स्तर है बहुत लो है। ये बीच में आप चीड़ के और सदाबहार के वृक्ष देख रहे हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं चारधाम यात्रा बेल्ट, ये आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकल के जो चौथा गेट है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर राइट हैंड पे चारधाम निःशुल्क यात्रा रजिस्ट्रेशन है, तो आप अपना पंजीयन कराएंगे। इस तरीके का ये बेल्ट रहेगा और ये बेल्ट आपका चारों धामों पर स्कैन होता है, बिना इसकी मदद के आपको लौटा दिया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा जब आप यात्रा में जाएँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएँ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये आपका QR कोड जो दिख रहा है वो हर बार स्कैन होता है, तो आप जितना अपने रुपयों की सेफ्टी रखते हैं उसी प्रकार यात्रा करने के लिए आपको ये बेल्ट हैं, ये भी आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं रास्ते के नज़ारे काफ़ी, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ रूट, जहाँ से आप रूट देख सकते हैं किस तरीके से आपको जाना है, कौन कौन से स्टेशन मिलेंगे, आपको किस तरीके से जाना है। ये दूसरा रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा माई।